बार कौन जीतने वाला है? अब की बार बीजेपी सरकार आई। बीजेपी कैसे? बीजेपी छारे चौगर घान। बीजेपी छारी है तो किसको टिकट मिलना चाहिए कामा से? मोहम्मद जुम्मा खान बड़ गुजर जुड़हेड़ा वाला। बताओ किसको जिता रहे हो अभी बार? हाँ किसको जिता रहे हैं फिर? हम यार हमारे जब सलाया की जुम्मे खा की जुम्मे खा की कौन है तो बताओ कसको वोट दोगे? वोट यार दे रहा जुम्मे खा लो। की अब यानी कि जो चुनाव आने वाले हैं किसको वोट करने वाले आप लोग? वोट जुम्मे खा लो करंगा बट गुजर करंगा यार पूरा सहयोग देगा पूर पार्टी दोनों घास पकड़े या की जब कहा मिला वो दुखी कहा करे पिछली बार वोट दिया था जी यही जमा जैसे पहले आप किसको वोट करेंगे? अब जुम्मे खा वोट बट गुजर कैसे जुड़ा वाला कैसे अपने इलाका को है बढ़िया नेता है। लोग बोलते हैं कि जब सत्ता आ जाती है कुर्सी बैठ जाते हैं फिर कोई किसी की नहीं सुनता। ना ऐसा नहीं है। राजस्थान के कामा विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम पहुंचे हैं सामदिका गांव में। सामदिका गांव में पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, अब की बार सामदिका गांव की जनता किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है और अब की बार किसको वोट करने वाली है वो हम लोग यहाँ गांव के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। जी चाचा क्या नाम है? अंसार। अंसार अच्छा ये बताएं कि 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? कुछ भी काम ना हुए यहाँ। कैसे काम करवाए ही ना 5 साल में? हाँ। जब वोटन के टाइम पावे वो बाद मावे ना। अच्छा हाँ। तो ये बताए कि इनकी क्या काम होने चाहिए थे? काम रोड बनना है। हाँ। एक भी रोड ना बनो यहाँ से वहाँ तक जाकर देख सके आप। हाँ। अपन के सामने है। तो मैडम तो बोलती है कि मैंने बहुत सारे रास्ते बनवाए सीसी रोड बनवा दिए। नहीं अब मैडम बोलती है तो अब आके देखे ही सबन के सामने झूठ बोले। अच्छा अच्छा ये बताओ कि अब यानी कि जो चुनाव आने वाले किसको वोट करने वाले आप लोग? वोट जुम्मे खा लो करंगा बट गुजर करंगा यार पूरा सहयोग देगा पूरा पार्टी दोनों घास पकड़े या की बढ़िया। अच्छा और यार देंगे विकास करेगा बढ़िया। अच्छा ये बताएं कि अगर उनको टिकट मिलता है तो कितनी वोटों से जीतने वाले हैं, क्या उनका राजनीतिक समीकरण रहेगा? कम से कम 25-30 हजार वोटों से विजय बनेगा। अच्छा वो आते हैं क्या आप लोगों के बीच में? हाँ आते हैं। हाँ। आते हैं बातचीत करते हैं। हाँ शादी में आते हैं जब भी। हाँ। वैसे भी आते हैं जब बुलाते हैं जब भी आते हैं। चलिए जी बाबा क्या नाम है? मेरा नाम जमील है। जमील अमीन। अमीन जी काम वाम हुए कि नहीं हुए? ना हुए। कैसे कीच देख रहे आप? हाँ। कितनी खड़ी है? बोल रहे हैं कि गांव के लोग काम नहीं करने देते अपने वाले बनाए हुए जो जारी मकान पर। अच्छा हाँ ही तो काम ना हो इनकम नहीं हुआ। तो इतने दुखी क्यों आप लोग उनसे? जब कहा मिला वो दुखी कहा करे पिछली बार वोट दिया था जी यही जमा। हाँ। और पहले आप किसको वोट करेंगे? अब जुम्मे खा वोट बट गुजर कैसे जुड़ा वाला। हाँ कैसे अपने इलाका को है बढ़िया नेता है। लोग बोलते हैं कि जब सत्ता आ जाती है कुर्सी बैठ जाते हैं फिर कोई किसी की नहीं सुनता। ना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ हर शादी मादा जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हाँ। हर के जाते सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ जी बस ज्यादा वोट ना दे सर मोट की बात हमारे कौन आज कह लो हमें कीचड़ के छोड़े पहली बार नहीं देती वोट ना दी अब ना दे सर अब हरा नहीं तो पहले काम तो हुआ है लेकिन अपने अपने तरीके से गांव में भी डिस्प्यूट रहता है ना। हाँ। उस तरीके से भी काम नहीं हुआ और जहाँ काम हुआ बहुत अच्छा भी हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि अब की बार हटाओ कामा बचाओ वो लोगों की अपनी अपनी सोच है भाई। हाँ अपनी अपनी सोच है अपनी अपनी सोच है। चलिए काम हुआ कि नहीं हुआ? ना हुआ ही जा रहा हूँ। ये भाई साहब बोल रहे काम हुआ है कहाँ? ये बोल रहे भाई साहब इनके घरे हुए वो इनके घरे हुए वो नहीं हुआ ना। फिर ये बताओ कि किसको जिता रहे हो अभी बार? हाँ किसको जिता रहे हैं फिर? हम हाँ यार हमारे जब सलाया की जुम्मे खा की जुम्मे खा की जरा कौन है? फिर ये बताएं कि अगर जुम्मे खा को टिकट मिलता है तो कितनी वोटों से जीतेंगे, क्या समीकरण रहेगा, आते हैं कि नहीं आते आप लोगों के बीच में? जीतेगन से जीतेगी जीतेगन ही जीती। हाँ जीते वोटन से जीती ना इसेगन से बराबरी की टक्कर दे रहे हैं इसेगन से जीते। अच्छा अच्छा ये बताइए कि गांव में क्या क्या काम होने चाहिए वैसे क्या परेशानी है? गांव में रास्ता परेशान देखी करो ही शुरू कीच कीच है चलो ये बनना चाहिए और
और रास्ते भी गंदे। हाँ और रास्ते गाँव ये रही भाई साहब जो बोल रहे हो पानी लग जा रहे हो। अच्छा ऐसे तो पानी लग जा रहा भाई साहब बोल रहे हो तो। हाँ जो फिर ये बताओ यानी बता क्यों नहीं रहे हैं, डरते हैं क्या? ना बता तो भाई भाई हमने कहा पता। अच्छा मुंडवा देगी, हमने मुंडवा देगी कहा पता। अब तुम खिलाफ बोल रहे हो, अब तुम्हें डर नहीं है ना? हमने डर नहीं है। तो ये बताओ यानी बीजेपी को वोट देने वाले हैं आप लोग? हाँ जुम्मे खा लेंगे। पार्टी के नाम पे दे रहे हैं कि इनकी टिकट के नाम पे देंगे? अरे हम तो अपना समझ के अपना समझ गए। मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद हाफिज। अच्छा ये बताए कि अगली बार कौन जीतने वाला है? अगली बार बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी कैसे? बीजेपी छारे चौगर खान, बीजेपी छा रही है। तो किसको टिकट मिलना चाहिए कामा से? मोहम्मद जुम्मा खान बट गुजर जुड़ेड़ा वाला। अच्छा टिकट में तो और भी बहुत सारे हैं रेस में। अरे उसको शकील डोल रहा और भुत्तेरा डोल रहा है। हाँ। हमने क्या पता कहाँ के रहने वाले हैं, ये तो हमारा नजीक ही है ना। हाँ। इसके तो हम लत शुभ काम लेंगे इससे तो। हाँ। उनके पे कहाँ जाएंगे हम? अच्छा हाँ जायरन ये विकास करवाया, ये बच्चा देख लो। हाँ। अब ये डोलने ला के कृष्णानंद स्कूल करवा दो यान। अच्छा अंग्रेजन को, अंग्रेजन पढ़ाई हो रही श्याम दी काम है। हाँ। कहा विकास ही कुछ विकास ना है। तो ये स्कूल क्यों नहीं गया अभी स्कूल टाइम है? स्कूल वोट ना रहा 30 बालक ले रहा खाली। अच्छा 30 अंक से 31 में अभी बाहर। अभी अगर 30 बालक तो नहीं जाएगा है? नहीं जाएगा। अभी बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर 30 बच्चे जाएंगे तो? जब तक बच्चे पढ़े ना ऐसे डोलेंगे डोलन बगलन में हाथ दे। जब तक रहे पढ़े ना लोग कोई बन चोर रहो कोई कुछ कर रहो ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। किताब 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 अब जा देख ले सकूल में ना एक भी एक मास्टर साहब पे दबांगा आराम कुर्सी मोबाइल देख रहा जब बाहर निकल आवा अब मैं कर लिया फुदर ताक भंगा और फुदर अभी बैठा होगा कुछ पैसा कर लो एक बच्चों भी ना पाए तो सकूल खाली मोबाइल में पांग तो लगा। अब जा देख जा कोई पढ़ाई नहीं होती है? कोई पढ़ाई ना कुछ सुना ही ना है गांव को जावे ही ना। तो आप लोग जाते क्यों नहीं मंत्री के पास में कहने के लिए? मंत्री सुनाई ना कर जब हमारे का हाथ सुनाए कर जब उनकी सुनाई ना कर हमारे का हाथ सुनाई। शिकायत करो तो रुपये लेके जाओ, रुपये चाहिए हमारे रुपया चाहिए हर आदमी शिकायत करो तो रुपया लेके जाओ। रुपया कैसे ले? रुपया ले हर चीज में कमीशन चाहिए। कमीशन? हाँ भात झूठ बोलते हैं सारे लोग। भात में आधा का भात का रुपया ले जाए। हाँ 500 रुपए दे के राजीना है एक शादी में बुला लिए तो हजरत मंदिर जाना आप तक कुछ दिए हो गए? कोई भी बता दो हजरत में दियो 10-20 हजार रुपए का मंदिर में दिया हो या किसान में दिया हो वहाँ। अब जा सको सब मास्टर तो शिक्षा मंत्री है ना भाई, आप लोग कहेंगे तभी तो पता लगेगा उसको। हमारी सुनाई कर रही है कि संबंध मुंह धोआ हमने भी। अब 5 तारीख तक संबंध मुंह देगी फिर इतना मुंह से 5 तारीख तक की बात भंग हुई सरकार जब ना मुंह से कही है वहाँ फिर मुंह धोजे कही है। तो आप लोग डरते हैं फिर? ना हम तो ना डरा क्या करने मुंह धोए बैठा है भाई सारे लोग तैयार है जाने के लिए जेल। बिल्कुल जब अभी मुंह धोजे सबन अच्छा एक दिन मुंह धंगा हम जब भी नार को अपने लाउने कर रहे हैं बैठ कर जब भी खा लेंगे बैठ के कहाँ जहाँ भाई की जेल के अंदर है। हाँ 5 तारीख तक मुंधवाजी की जगह तानाशाही चला रही है। कैसी तानाशाही? अरे जो कोई वैसा होगा भाई मुंधवाजी में और कहा करवा दे बोल रहा मुंधवाजी मुकदमा झूठा सच्चा लगा के चल अंदर साहब। चलिए ये हमारे साथ है कहीं ना कहीं शामदी का गांव की जनता। जुम्मे खा लो, जुम्मे खा लो। ये बताओ अगर जुम्मे खाने काम नहीं कराए फिर क्या करेंगे? ना करवा के 5 साल घट गए। अच्छा तो अभी ये बताओ टिकट मिलेगा तो जीतेंगे क्या? टिकट मिल जाएगा। चलिए ये हमारे साथ है शामदी का गांव की जनता जिनसे हम लोगों ने बातें की और जाना कि अब की बार जनता किसको वोट करने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं इलाके की जनता ये चाहती है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए और किस तरीके का बदलाव कब कहां और कैसे होगा ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बन रही है सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।